हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग साइंस गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ओके, यहाँ पहुँचे थे एक्टिविटी नंबर में। अब अपने अपने टेक्स्ट बुक्स को खोल के रखिएगा। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द योर हाउस बिफोर देन थ्रू आउट देन डस्टबिन। अब अपने अपने घरों में से डस्टबिन में फेंके जाने से पहले गार्बेज को कलेक्ट कर लीजिए। सेपरेट इंटू टू ग्रुप्स सो दैट दे हैव। ओके, सो हमें एक्टिविटी करनी है जिसमें क्या है, दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। तो देखते हैं, ग्रुप वन, गार्बेज फ्रॉम द किटल्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पिट्स एंड एग शेल्स वेस्ट फूड टी लीव्स इंक्लूड एंड न्यूज़ पेपर्स ड्राई लीव्स एंड देन पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ओके, ग्रुप वन में क्या है, किचन मटीरियल, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, एग शेल्स वगैरह। ओके, सो सेकेंड ग्रुप में है द पीस ऑफ क्लॉथ पॉलीथीन बैग्स ब्रोकन ग्लासेस एल्यूमिनियम वेपर्स नीज ओल्ड शूज ब्रोकन टॉयज। ओके, सो ये सब मटीरियल्स किस में है, ग्रुप टू के अंदर डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट, न्यू डिवाइस एंड कंटेक्ट्स एंड ईच ग्रुप इनटू अ टू सेपरेट हेल्प्स डेबल धैम एज ए बी सी एन टी। ओके, सो आपने जो गार्बेज कलेक्ट किया है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया दो, और उसमें से जो कचरा आपने इकट्ठा किया है गार्बेज, उसको ए बी सी एन डी अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में रखना है, अलग अलग नाम देके उन्हें लेबल देना है। पुट देन हेप्स ऑफ देन ग्रुप वन एंड देन हेप्स फ्रॉम ग्रुप टू इन टू द सेपरेट प्लास्टिक बैग। ग्रुप टू एंड ग्रुप वन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में हर जो कचरा आपने गार्बेज इकट्ठा किया है उसको सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। टिन देन इन टू अ मंथ ऑफ द टू गार्बेज टिन पुट ऑल द फोर हेप्स एंड देन सेपरेटेड पीड्स ऑन देन कवर्ड फ्रॉम विथ अ सॉइल। आपने जो जो भी कचरा लिया है, गार्बेज लिया है, उसको अलग अलग प्लास्टिक बैग्स के अंदर डाल के ज़मीन के अंदर डाल देना है, और उसके ऊपर क्या डाल देना है, विथ सॉइल कवर कर देना है सॉइल से। ओके, सो यू कैन ऑल्सो यूज देन फोर पीस देन बर्निंग हैज देन गार्बेज हैप्स। मतलब चार दिनों तक उसे ज़मीन के अंदर डाल देना है और देखना है क्या होता है। रिमूव द सॉइल आफ्टर फोर डेज एंड देन ऑब्जर्व इज चेंज इन द गार्बेज। चार दिनों के बाद देखना है कि गार्बेज के अंदर क्या चेंज हुआ है, मिट्टी को निकाल देना है और ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। अ बैग ब्लैक कलर एंड देन नो फ्यूल देन स्मेल स्मॉल इंडिकेट्स देन रोटेटिंग ऑफ द गार्बेज। आपने ब्लैक कलर का गार्बेज हो गया होगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, यानी रोटेटिंग मतलब सड़ गया है आपका कचरा। इज देन कम्प्लीटेड, आपका गार्बेज का सड़ना क्या हो गया है, कम्प्लीटेड हो गया है। पुट देन हैप्स अगेंस्ट एंड देन पुट इन देन कवर विथ अ सॉइल। फिर से उसको क्या कर देना है, गार्बेज को एक बार देख लिया है उसको फिर से कवर कर देना है गड्ढे में डालने के बाद फिर से सॉइल से। ऑब्जर्व अगेन देन आफ्टर एवरी टू डेज एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन इन देन सजेस्टेड डीड द गार्बेज। फिर क्या करना है, फिर उसे गार्बेज को गड्ढे में डाल देना है, ऑब्जर्व करना है अगेन आफ्टर टू डेज, हर दो दिनों के बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है गार्बेज के साथ। ऑब्जर्व करना है कि वन, रोट देन कम्प्लीट इन देन नॉट स्मेल, सेकेंड देन रोट इज ओनली प्रैक्टिकल, सेकेंड है रोट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड बट देन स्टिल स्मेल बैड ऑन द नॉट चेंज इट ऑल, गार्बेज इज विस हेल्प वॉज अ सीन रूट्स ऑफ विच डिड नॉट। मतलब क्या क्या हुआ है, उसके अंदर वो सड़ गया है लेकिन स्मेल नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बट उसमें से बैड स्मेल आ रही है या नहीं, उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, वो सब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, सही, इंटर द ऑप्शन वन टू थ्री और फोर इन देन कॉलम्स ऑफ टेबल्स 16.1 देन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या है, ये टेबल दिया गया है, What has happened to the garbage hap? उनके साथ क्या क्या हुआ है after 4 days, after 6 days, after 2 days, 4 weeks, उसके अंदर क्या क्या changes हुए हैं वो आपको यहाँ पर note down करना है chart के अंदर। If you make then any other observation, do you forget to write all then this down in notebook? आपको जो भी मिला है वो आप इसके अंदर note down
कर सकते हैं योर नोटबुक. डू नॉट रिमूव देन ब्रेन्स ऑन द गार्बेज इन डीड योर नोटबुक. उन गार्बेज के साथ क्या क्या हुआ है वो आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, सो टुडे होमवर्क इज रीड टू सेम क्लास वर्क. क्या करना है आपको, ये जो या एक्टिविटी वन चलाया है वो आपको क्या करना है, घर पे एक बार रीड करना है. ओके.